केंद्र की मोदी सरकार द्वारा एक नई स्कीम चालू की गई है, जिस स्कीम के तहत छोटे कर्ज को अब माफ कर दिया जाएगा। जी हाँ, छोटे कर्ज लेने वाले लोगों को सरकार की तरफ से एक तोहफा मिलेगा, जिसमें उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा और यह निजी और सरकारी दोनों बैंकों पर लागू होगा। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर सरकार का यह कहना है कि आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लोगों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए लोन माफी योजना बनाई जा रही है। इसके स्वरूप को लेकर माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री से भी बात चल रही है। उन्होंने कहा कि यह लोन माफी व्यक्तिगत दिवालियापन से जुड़े लोगों को दी जाएगी, जो कि आर्थिक रूप से गरीब लोगों को ज्यादा व्यथित करती है। इस मामले में यह भी बताया गया है कि नए सिरे से शुरुआत के तहत एक बार लोन माफी योजना का लाभ ले लिया तो फिर 5 साल तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इसको जल्द ही लागू करेगी, लेकिन इसके लिए कुछ प्रावधान भी किए गए हैं। आईबीसी के फ्रेश स्टार्ट के तहत कई प्रकार के प्रावधान हैं। इसके तहत लोन माफी योजना के लाभार्थी की वार्षिक औसत आय 60,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कर्जदार के एसेट्स की सकल वैल्यू 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लाभार्थी पर कर्ज की कुल राशि 35,000 से अधिक नहीं होना चाहिए और उसके पास खुद का घर भी नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।